सेवा जोहार नन्ना बस्तरिया वट्टी दादी वाम्ट गोंडी करियाट यूट्यूब चैनल ते नन्ना मीकून पड़गा क्याल तुना नेंडता चैप्टर कोई तुरिंग कड़ी यानी आज का चैप्टर कोई तुरिंग वाक्य। जब हम किसी के साथ मिलते हैं तब उनसे किस तरह से बात करते हैं इस बारे में सीखेंगे। जैसे आपका नाम क्या है, उसे हम गोंडी में किस तरह से बोलेंगे। निया पदोर बाता आंध या निया परोय बाता मंता। कहीं कहीं पर आंध कहते हैं, कहीं कहीं पर मंता कहते हैं। आप लोगों को कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें आंसर देना है। जैसे मेरा नाम बस्तरिया वट्टी दादी है, उसे गोंडी में किस तरह से बोलेंगे। नावा पदोर बस्तरिया वट्टी दादी आंध, इस तरह से गोंडी में अनुवाद किया जाता है। आपके पिताजी का नाम क्या है, इधन गोंडी ते बाता इंदनो, इसे गोंडी में क्या कहेंगे। निया बाबोना पदोर बाता आंध या आंध की जगह मंता भी कहते हैं। इसी तरह आंसर देंगे, मेरे पिताजी का नाम श्री दाले वट्टी है, इसे गोंडी में कहेंगे। इधन गोंडी ते इंदनूर नावा बाबू ना पदोर तिरुमाल दाले वट्टी आंध, इस तरह से गोंडी में अनुवाद किया जाता है। आप काम क्या करते हो, इधन गोंडी ते इंदनूर निमा बूतो बाता किंतोन। आंसर मैं दूंगा, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। गोंडिते इंदनु नन्ना सरकारी सेवा किंतोना। आपके गांव का नाम क्या है, इधन गोंडिते इंदनूर निया नारता पदोर बाता आंध या निया नारता पदोर बाता मंता। आंसर दिया जाएगा, मेरे गांव का नाम चिचाड़ी है। तो गोंडिते बाता इंदनूर नावा नार तपदोर हिचाड़ आंध। आपका शादी हुआ, गोंडिते इंदनूर निया मरमिंग आत या निया पेंडुल आत। आंसर दूंगा, हाँ मैं शादी शुदा हूँ। गोंडिते बाता इंदनूर गोंडी में क्या कहेंगे। इंगो नन्ना मरमिंग सुदा आंदन या आंदा। इस तरह से सामान्य बोलचाल में पूछा जाता है और आप लोगों को भी गोंडी में इसी तरह से अनुवाद करना है। आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। साथियों सेवा जोहार।